नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी को 18 माह का डीए एरियर मिलने की उम्मीद जगी। कर्नाटक चुनाव हार ने सोचने को मजबूर किया। ओपीएस पर भी फैसला जल्द। तो समस्त राज्यों के समस्त प्रकार के कर्मचारी पेंशन जरूर देखें, क्योंकि उनका 18 माह का डीए एरियर अभी भुगतान शेष है और केंद्र से शेष है, तो राज्यों ने भी शेष रख दिया है। आइए बड़ी खबर विस्तार जानते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों, कोरोना काल में रोके गए डीए एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से उठ रही मांग। कर्मचारियों को 18 माह के डीए एरियर मिलने की उम्मीद। 47 लाख कर्मचारी व 62 लाख पेंशनों को होगा लाभ। केंद्र सरकार के लगभग 47 लाख कर्मचारी और 62 लाख पेंशनों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। कर्मचारियों के सरकार की तरफ से बकाया 34,402.32 करोड़ रुपए का भुगतान कराने की लड़ाई दोबारा शुरू हो गई है। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी कि NJCA की वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने बताया कि हम पुरानी पेंशन बहाली की मांग के साथ ही अब कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के DA DR के भुगतान की लड़ाई भी लड़ेंगे। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद यानी JCM द्वारा 18 माह के डीए एरियर के भुगतान के लिए लिखा है। वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया है। अब NPS की समाप्ति और OPS बहाली की मांग के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है, उसी में बकाया एरियर राशि का मुद्दा भी जुड़ गया है। इस बाबत केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दे दिया है। डीए के एरियर का भुगतान सरकार को करना ही पड़ेगा। सरकार की घोषणा का निकला ये मतलब। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना काल के बाद यह घोषणा की थी कि कर्मचारियों को 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर कोई बात नहीं कही। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ यह था कि बढ़े हुए डीए की दर 1 जुलाई 2021 से 28% ली जाएगी। इसके अनुसार जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच डीए में 11% वृद्धि हो गई है, जबकि 1.5 साल की अवधि में डीए की दरों में कोई वृद्धि दर्ज नहीं की गई। 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तक DA DR फ्रीज कर दिया गया था। कोरोना संक्रमण काल में डीए की 3 किस्त 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 रोक दी गई थी। इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते को बहाल कर दिया था। तब 18 महीने की बकाया 3 किस्तों का पैसा देने पर सरकार चुप हो गई। राष्ट्रीय परिषद JCM की 38वीं बैठक में कहा गया, एरियर के लिए कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया था। श्री कुमार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा था कि वेतन और पेंशन कर्मियों का पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रीय परिषद JCM की सचिव कर्मचारियों ने आवेदन पत्र दिनांक 16/4/2021 के माध्यम से DA DR को फ्रीज करने के सरकार के फैसले का बड़ा विरोध किया था। सरकार का यह कदम वेतन आयोग की स्वीकृति सिफारिशों के खिलाफ है। 26 जून 2021 को आयोजित राष्ट्रीय परिषद JCM की 48वीं बैठक में स्टाफ साइड से मांग की गई थी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को DA DR की 3 किस्तों का भुगतान 1/1/2020 से किया जाए। केंद्र सरकार की ओर से दी गई ये दलील। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस वर्ष संसद के बजट सत्र में यह बात मानी थी कि डीए को बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं। हालांकि सरकार ने यह कह दिया कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए जारी करना व्यावहारिक नहीं है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34,000 करोड़ रुपये से अधिक के DA DR राशि का भुगतान नहीं करेगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा FRBM अधिनियम में दर्शाए स्तर से 2 गुनों से अधिक चल रहा है। कोरोना काल में रोका गया था डीए का भुगतान। केंद्र सरकार ने कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तें रोक दी थी। उस वक्त सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात कही थी। राष्ट्रीय परिषद JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने उस वक्त कैबिनेट सचिव के साथ हुई बैठक में इस मुद्दे को उठाया। कर्मियों को उम्मीद थी कि उन्हें बकाया राशि मिल जाएगी। गत बजट सत्र में इस मांग को सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। AIDEF महासचिव श्री कुमार के मुताबिक सरकार के मन में खोट आ चुका है। केंद्र ने 2020 के प्रारंभ में COVID-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनों को DA DR पर रोक लगा दी थी। उस वक्त कर्मियों को 11% DA का भुगतान रोक कर केंद्र सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए की राशि बचा ली थी। उसके बाद कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने 18 माह के एरियर के भुगतान को लेकर सरकार को कई तरह के विकल्प सुझाए।
थे इनमें एरियर का एक मुश्त भुगतान करना भी शामिल था। स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा व श्री कुमार ने तो यहां तक कह दिया था कि एरियर जारी करने को लेकर सरकार किसी दूसरे तरीके पर चर्चा करना चाहती है तो कर्मचारी संगठन इसके लिए भी तैयार हैं। तो दोस्तों अब चुनाव हार यानी कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनाव हारने के बाद सोचने पर मजबूर है। हो सकता है पुरानी पेंशन पर भी इनके अंदर मन में चल रहा हो और उसको लेकर कुछ फैसला हो जाए। तो आप अपने विचार लिखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।